खाना खा लिया है या खा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को बात कर लें, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें। जैसे ब्रांड्स होते हैं, कभी भी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत महंगा ब्रांड है तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा या बहुत सस्ता है तो अच्छा नहीं आएगा। डिपेंड करता है आपके यूज़ करने पे, आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो समटाइम आप एक ही मेकअप में अगर हम 20 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 बहुत हाई फाई ब्रांड की होती हैं और 5 कुछ नॉर्मल होती है और 5 बिल्कुल ही लो ब्रांड की होती है। तो हमें ये सब मिक्स एंड मैच करना चाहिए, सिर्फ एक ब्रांड के पीछे कभी भी नहीं। अगर कोई ब्रांड डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें हर ब्रांड के साथ चलना है। तो हम बेस से शुरू करते हैं। सब आवाज़ ठीक है, देखते सब जानते हैं जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बेस यूज होता है वो क्रेलॉन है और हम में से आधे से ज़्यादा लोग क्रेलॉन को यूज़ करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे हुदा भी है, एनास्टासिया भी है, क्रेलॉन भी है, लेकिन अब मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वो क्रेलॉन है। हुदा वगैरह जो है वो बहुत हाई लेवल की जो कवरेज देती है और थोड़ी सी थिक होती है और हमारे जो मुल्क का वेदर है वो बहुत गर्म है तो हम 3-3, 4-4 लेयर करेंगे तो फिर वो क्रैक करेंगे। तो हमें जितनी थिन बेस हम लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो अभी जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो क्रेलॉन की है और इसमें जो मैं नंबर यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, जो 15-15 नंबर हम लोग ले कर रखते हैं। आप 2 या 3 नंबर ले लें जिसमें FS38 और W1। अगर आपके पास ये 2 नंबर हैं तो आप हर स्किन के साथ चल सकते हैं, कहीं FS को ज़्यादा लगा दिया, कहीं W1 को ज़्यादा लगा दिया। तो ये जो 2 नंबर है मेरे लिए, जो मैं मेकअप करती हूँ, मुझे यही 2 नंबर काम देते हैं। आप और आप लोग साथ साथ सवाल कर सकते हैं माइक लेके, अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो वो सवाल कर सकते हैं। और जो लोग पीछे आगे चेयर्स खाली हैं वो सब आगे आगे बैठे तो ज़्यादा अच्छे। असद यहाँ पे हैं, उनका ये प्रोफेशनल कैमरा लगा हुआ है, उनका यूट्यूब चैनल है जिसपे लाइव भी आप देख सकते हैं मैम को और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बेटा आप आगे आ जाओ, आप आगे आओ, मेरा नहीं हो सकता, इनको भी आगे बुलवा सकते। मेरे साथ अगर आप कॉपरेट करें मैं सबको रैम पे ले आऊँगा, लेकिन कॉपरेट नहीं करते, कॉपरेट करें मेरे साथ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्रेलॉन है, ये मुसरत मिसबा है, ये भी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, एंड ये हुदा। ऐसा नहीं कि हमारे पास होती नहीं तो हम क्रेलॉन को यूज़ करते हैं, होती सारी हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जिस प्रोसेस से हम गुजर के आए हैं, हम चीज़ों को आजमा के आए हैं, तो हम आपको फाइनल प्रोडक्ट बताएं, ना कि आप भी वो चीज़ें लें, उसको ज़ाया करें, अपने पैसे ज़ाया करें। तो ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ बताते हैं जो कि ज़्यादा काम है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ओपेरा कॉस्मेटिक के आई शेडोज हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये है तो आई शेडो, लेकिन हमने किसी भी चीज़ के अंदर लॉक नहीं होना। मैंने इनको यूज़ करके देखा तो मैंने इनको एज शिमर जब यूज़ किया तो मुझे आई शेडो से भी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आप यहाँ पर भी इनको लगा सकते हैं, हाईलाइट पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका माइंड है कि आप चीज़ों को कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं आईब्रो कलर की एक्टिव कंटोरिंग शेड है, तो
तो अब मैं क्या उसमें अटकी रहूँ कि नहीं ये तो अपना टोरिंग शेड है, मैं आईब्रो पे क्यों लगा रही हूँ। तो इस तरह आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हैं। अगर आप हल्का हल्का म्यूजिक रखेंगे तो बेहतर लगेगा, बहुत हल्का सा। किधर है डीजे? डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दें। हल्का हल्का ये जी। अच्छा, एक प्राइमर का बड़ा सीन है आजकल कि क्लाइंट की मांग करते हैं प्राइमर लगाएं। और मैं आपको सच्ची बात कहूँ, क्लाइंट को पता भी नहीं प्राइमर करता क्या है, उसकी क्या काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, ख़त्म वो भी नहीं कर सकता। लेकिन वो एक लेयर एक मुंह पे लगाना, अगर आप क्लाइंट बहुत जिद कर रहा है तो आप प्राइमर यूज़ कर लें। लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, प्राइमर ना यूज़ करें तो अच्छा है। प्राइमर के बाद जब आप वाटर बेस लगाते हैं तो वो अजीब सी हो जाती है। तो अगर प्राइमर ना यूज़ करें ठीक है, पर अगर क्लाइंट कह रहा है बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं मुतमिन हो रहा तो फिर आप लगा सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप जब आए पे फेस लगाइए और पूरा मेकअप करने के बाद आप फेस पे फेस लगा सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं क्या करूँगी कि मैं हाफ फेस पहले बनाऊँगी, जैसे पेंसिल मैंने लगा लिया, इसके ऊपर मैं लूज पाउडर लगा के इसको लॉक कर लूँगी और फिर मैं आई मेकअप करूँगी कि जो भी आई शेडो फेस पे गिरने हैं वो गिर जाए, जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगना है वो लग जाए, जो बेस स्किन में जज्ब होनी है वो हो जाए। उसके बाद मैं फाइनल बेस के ऊपर लगाऊंगी कि जो भी खराबी होनी है वो पहले से हो जाए। आज थोड़ा सा मॉडल का भी इशू था, शी इज माई स्टाफ, ये मेरे साथ हॉप से आई थी, मेरी स्टाफ है तो मैं इनको ही अब डेमो कर। लूज पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, लेकिन थोड़ा सा चौकी करेंगे तो अच्छा है। आजकल वैसे भी थोड़ा चौकी मेकअप चल रहा है। बस इतना सा बना के छोड़ दूँगी और फिर आई मेकअप करूँगी पूरा। आई मेकअप के बाद फिर बेस करूँगी, फिर मैं इसको रॉन्ग साइड पर रखता हूँ, कैसे बनाऊँगी ट्वाली कर रहा है। आप लोगों को अगर नहीं नजर आया, अपने मसला हुआ तो आप बीच में रोक सकते हैं, बता सकते हैं। अभी एक कंट्रोलिंग शेड है लेकिन मैं इसको आईब्रो पे लगाऊंगा। कलर लगाते हैं वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हाईलाइट को डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं पहले लगाता हूँ।
अच्छा जी, लेट्स
स्टार्ट आई मेकअप ब्राउन कलर से मैं स्टार्ट करती हूँ, वो मॉडल मेकअप हो, वो पार्टी मेकअप हो, वो बलीमा मेकअप हो, कुछ भी हो, मेरा जो स्टार्ट होता है मेकअप का कलर मैंने आगे कुछ भी लगाना हो लेकिन उसको स्टार्ट मैं ब्राउन से करती हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जो हमने आई पे कलर लगाया होता है जो हाईलाइटर वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे होते हैं, एक लाइन सी प्रोमिनेंट होती है, ऐसा लगता है कि कुछ मर्ज नहीं किया हमने, ब्लेंड नहीं किया हुआ। लेकिन उसमें उससे भी ज़्यादा मसला जो होता है, जैसे छोटी सी मिसाल है कि आप नीचे से दीवारें खड़ी कर रहे हैं घर की और ऊपर एक और पोर्शन डालते हैं लेकिन लैंटर नहीं डालते बीच में, तो वो जो ब्राउन कलर है आपका वो नीचे वाले कलर को भी पकड़ेगा और ऊपर से हाईलाइटर को भी पकड़ेगा और वो बहुत आसानी से आपस में ब्लेंड हो जाएंगे दोनों, प्रॉब्लम नहीं होगी साथ। इस तरह और शुरू में ही लगाते लगाते फिर आप उसको रफ करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे तो आगे जाके ज़्यादा आसान होगी। तस्वीरों में कोई ब्रश के साथ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, सबसे अच्छी जो ब्लेंडिंग है वो फिंगर से होती है, आई स्वेयर, जैसे आप सब लोग जानते हैं, आपने भी ट्राई किया होगा। ये मैं कोपैरा का लगा रही हूँ, अच्छी पिगमेंट आ रही है। यानी मुझे जानना चाहिए कि मैं ओपेरा ही लगा रही हूँ। ये आई शेड लगाने के लिए मुझे हमेशा ये नाखून छोटा रखना पड़ता है सीजन में, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। फाइनली तो इसके ऊपर ग्लिटर आ जाना है, लेकिन
अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लेटर लगाते हैं, वैसे उड़ा होगा ऐसा लगता है, कहीं लगा हुआ है कहीं पे नहीं लगा हुआ। उसका ये रीज़न होता है कि वो जिस कलर का ग्लिटर लगा रहे हैं उस कलर का आई शेडो नहीं है नीचे। अगर उसी कलर का पहले आई शेडो लगा लेते नीचे और फिर ग्लिटर लगाते और वो कहीं कम लगता कहीं ज़्यादा लगता, लेकिन वो जो आई शेड था वो उसको सपोर्ट करता। जब हम डायरेक्टली कोई कलर लगा देते हैं और नीचे कुछ भी नहीं होता बेस, तो फिर वो ऐसे उड़ा उड़ा सा लगता। अब इसके ऊपर जब मैं गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी तो ये इसको सपोर्ट करेगा, कहीं कम भी लग गया तो ये उसको फिल अप कर देगा। इनर कॉर्नर में बिल्कुल एकदम वाइट सा शेड ही लगा देना, थोड़ा सा उसमें गोल्ड ज़रूर मिक्स करना, वो वरना बहुत ही वियर्ड सा लगता है, एकदम चिट्टा शेड अगर लगा दें तो। गोल्ड एंड सिल्वर को मिक्स करके लगा दें और ये दोनों पैरा के मिक्स किए हैं। ओपेरा का मेकअप और मैम दीदार आपके सामने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर रही हूँ। डेफिनेटली पिन ड्रॉप साइलेंस में एक क्लास हमेशा रावलपिंडी की तारीफ में याद रखी जाएगी। नहीं सीरियसली, मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहूँगी कि जिस डिसिप्लिन से आप देख रहे हैं, आई रियली लाइक इट सीरियसली। तालियां बनती है इस बात पे। ये व्यूज़ मैम के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जा रहे हैं कि पिंडी की ऑडियंस ना सिर्फ ये डिसेबलाइज्ड है बल्कि बहुत इसे इवेंट को देखती है और सीखती है। अच्छा, पानी ज़रूर यूज़ क्या करें आप आई शेडो के साथ, उसकी पिगमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ लोग बेजलिन के साथ करते हैं वो भी ठीक है, पानी के साथ करते हैं। अब ये आप देखें, अब ये मर्ज नहीं है और ये साइड मर्ज है, तो वो जो ब्राउन मैंने लगाया था उसकी मदद से इसको भी मैं मर्ज करूँ, इसीलिए ब्राउन लगाने का ये मकसद होता है। ताकि जो खुद के लैश हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएं और जब मैं उन पर दूसरे लैश लगाऊं तो वो उसके अंदर आसानी से मिक्स हो जाएं। जब हम फेक लैशेस पे मस्कारा लगाते हैं तो आजकल पहले से इतने लंबे लैश चल रहे हैं, फिर हम उन पर मस्कारा लगाते हैं वो बहुत ही लंबे दिखना शुरू हो जाता है। तो मेरी ट्राई होती है कि मैं दोबारा मस्कारा ना लगाऊँ, और अगर बहुत ज़रूरत है लगाने की तो सिर्फ इनर एज की तरफ थोड़ा सा लगा दूँ।
इसीलिए पहले अपनी पलकों पे मस्कारा लगा लेती कि उस पर मेकअप जो बेस लगा हुआ है वो निकल जाए और वो थोड़े से हार्ड हो जाए उसके अंदर मिक्स होने के लिए। और अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि आईलैश जो है वो सबसे पहले लगा देते हैं, तो वो कैसे मेकअप करते हैं मुझे नहीं पता, पानी भी लग रहा होता है उसके ऊपर, पिगमेंट्स गिर रही होती हैं और वो एंड में इतना डर्टी लुक देता है क्योंकि आई शेड थोड़े थोड़े तो गिरते हैं ना लगाते हुए, लेकिन वो मुझे तो वो तरीका ठीक नहीं लगता, पर अगर कोई करता है और उसको नीट कर सकता है तो उसके लिए ठीक है। जेल आइनर यूज़ करूँगी मैं ताकि अगर ब्राइट की आंखों में पानी आ जाए, कोई मसला हो जाए तो कम से कम हमारा मेकअप जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि वेडिंग सीजन में इतना वक्त नहीं होता कि बार बार हम उनका मेकअप काला हो और उसको बार बार नीट करके बने। पहले हम हिना रैच बनाए, वो थोड़ी राउंड लग रही है आंख पर, ये आप शेप ये रैंप मत खिलाइए, मैं लाइनर लगा रही हूँ ना तो खिला दी। मेरा तरीका थोड़ा उल्टा है, लोग पहले ऊपर का मेकअप कंप्लीट करते हैं फिर अंडर आई करते हैं, मैं पहले अंडर आई करती हूँ फिर ऊपर का मेकअप करती हूँ। उसमें क्या होता है कि जब हम ग्लिटर लगा लेते हैं और बाद में हम अंडर आई करते हैं, हम कहते हैं ऊपर देखें, तो ग्लिटर कितना भी महंगा हो ग्लिटर में क्रैक होता है, उसमें लाइनें आती हैं और जब वो लाइनें आती हैं तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि पहले अंडर आई का मेकअप पूरा करें फिर ऊपर वाली आँख का।
ये मैंने अंडर आई का पूरा कर दिया था। अब इसके बाद मैं ओपन करूँगी और ऊपर मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा है कि अब मैं एच कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे एच बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, अभी बहुत ज़्यादा काला एच इन नहीं है। यही जो लाइनर था जो ऑलरेडी लगा था, इसी को थोड़ा रफ कर देंगे, एक्स्ट्रा ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे। गाड़ी तो जो मेप की जाने रहेगी आप लोगों की हॉल में जो घूमने फिरने वाली कवर्टी है उनसे बर्फास्त है। स्लाइडर से पीछे तशरीफ है, जो सोफा से वहाँ बैठ के गुफ्तगू करें, लेकिन जो सीख रहे हैं लोग उन्हें कांटे सीखना है। थैंक यू। कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होगी आपको, लेकिन स्पेसिफिकली रेड कलर नहीं लगा। वन आए हैं विदाउट ग्लिटर और विदाउट आईलैशेस। ये भाई जी को समझ आई ताली, उन्होंने मुझे खूबसूरत सी ताली हो जाए ताकि टीचर को पता लगे कि कहाँ तक उनका नॉलेज आपको समझ आया। अभी इस पे जब ग्लिटर लगेगा और आईलैश तो आपको पता है कि सही ग्रेस उसके बाहर निकलती है, तो ये एक जो बेस के नीचे की वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन ये है कि आपने अंडर आई जो लाइनर की लाइन दी है, हम किस चीज़ को नजर निरंतर इसको लगाएं कि ये एग्जैक्ट अपनी जगह पर आए? हर आए हर आए की शेप अपनी होती है। मैंने स्टार्ट में आपको एक बात कही थी कि कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, मैंने एक आईब्रो किया था यहाँ से थोड़ा सा नीचे कलर लगाना था, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इतना बड़ा आप लोगों को टिप दिया, ये कट ब्रश होता है, आप अपने ब्रशेस से कोई भी ब्रश को कट ब्रश बना सकती हैं। थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, जहाँ से भी लाइन ऊपर नीचे होती है आप उसको पैन स्टैक या पैनकेक लगा के नीट कर सकते हैं। और जेल लाइनर इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो काला काला ना करे, अगर ख़राब हो भी गया तो काला ना करे। जेल लाइनर बेस्ट किस कंपनी का है? स्पेशल कंपनी से उनका नाम ले सकते हैं जो स्पॉन्सर्स हैं, किसी भी ब्रांड का आप चल रहे हैं लॉरियल का ले लीजिए, बहुत अच्छा। अभी ये वाला आया मैं आपके सामने नीट करूंगी, अभी रफ कर दी फिर नीट करूंगी कि जो जिसने सवाल किया उसको समझ आ जाए। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? लेकिन क्वेश्चन हो जो बाकी क्वेश्चन है। थैंक यू। डीजे जी लाइटली म्यूजिक जैसे पहले साउंड चल रही थी। जो मुझे मेकअप में असिस्ट करती है वो यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मुझे चीजें मांगनी पड़ रही है। ये मोना है जो अभी मेरे साथ खड़ी है, ये हेयर में है हमारे हेयर सेक्शन की जो सबसे बेस्ट करती है वो मोना है, और मेकअप मैं करती हूँ और मुझे ये असिस्ट करती है। और अगर इनके खुद के मेकअप है तो मैं ये अपने करती हूँ। शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट।
मरियम नाम है जी। थैंक यू। और आज मेरे साथ एक बहुत बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है, बिल्कुल जिस तरह मेरी बड़ी बहनें हैं उसी तरह वो हैं। इधर आए बाजी, कहाँ आप इधर आ जाए, आगे तशरीफ लाइए प्लीज। ये वो है, मैं इनका थोड़ा सा तारुफ आपको दे दूँ कि जब मैं 3-4 साल की थी तो तब से ये सैलून का काम करती हैं मेरी मदर के साथ। उसके बाद इन्होंने 25 साल डुप्लेक्स के साथ काम किया है और बहुत ही मुसरत आपा की बहुत ही फेवरेट रही हुई हैं ये, और हमारे उस्तादों में से हैं, मेरे टीचर्स में से हैं, तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। इनका नाम है नुज़रत, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां। थैंक यू नुज़रत जी, जीती रहें, सलामत रहें। छोटी बच्ची जैसी है, मेरी छोटी बहन है, मेरे पैसे भी इनसे फैमिली का अपना प्यार है, मोहब्बत है और सब तो अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको कहीं के अकेला नहीं छोड़ सकती मैं इसके साथ, क्योंकि तो अपनी जगह मोहब्बत अपनी जगह और बच्चियों के साथ बहुत प्यार। थैंक यू नुज़रत जी, बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात है कि आप जब इस स्टेज पे पहुँचते हैं और अपने आज बड़ी बाबरकत मैं समझता हूँ ये हमारी तकलीफ है कि पहले सर शहजाद आए और उनकी वार्ता यहाँ तशरीफ आई, और अभी मैम दीदार ने उस हस्ती का जिक्र किया, शी जस्ट एज लाइक मदर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तालियाँ होनी चाहिए, जिनको समझती है वो तालियाँ बजाते हैं। जरूर जी, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी, लेकिन जो मैं चाहूँगा कि मैं दीदार की जाने रहे मिस लुबना मलिक तक अगर आवाज़ पहुँच रही है तो स्टेज पे मैं ज्वाइन करेंगे। राशिद भाई आप आए, जो आपके सामने किया जा रहा है। आज इनकी बड़ी खूबसूरत सी कॉपर ड्रॉ है,
एलसीडी है, इनका अपना एक सेट है और एक हाफ किट है। तो जिन जिन्होंने जो परचेज किया है वो अभी हम ड्रॉ करेंगे और मैम दीदार के हाथ से वो एलसीडी और उसकी किस्मत का फैसला होगा। और इसी वक्त से फायदा उठाते हुए छोटी सी अनाउंसमेंट है इस वक्त मेरे पास। 17th of November 17 नवंबर को सदाबहार मार्की में एक क्लास होने जा रही है और जिसमें सर खादिम द ग्रेट, मैम राबिया फैसल और सर खुर्रम शहजाद ये तशरीफ ला रहे हैं। अच्छी क्लास है, लर्निंग क्लास है, इसको अटेंड कीजिएगा। 17th of November सदाबहार मार्की जिसमें सर आरिफ भी तशरीफ ला रहे हैं, मैम अलमास भी हैं और दीगर हमारे टीचर्स भी तशरीफ लाएंगे। ज़रूर उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाइएगा। और जब तक हमारा ओपेरा का मेकअप हो रहा है आप 3 आई शेड्स खरीद के उसको ओपन ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं। गिफ्ट हैम्पर के प्राइस क्या होंगे वरना मैं 3 ले लूँ आई शेड? गिफ्ट हैम्पर कितना बड़ा होगा? मैम एलसीडी है एक हमारे पास, हाँ जी, और फिर जो सेकंड प्राइस है वो ओपेरा का फुल किट है और थर्ड प्राइस जो है वो हाफ किट है। ये जैसे कि मैंने अपनी स्पीच का आगाज़ ही इस बात से किया था कि जितना बड़ा टीचर हो उतना बड़ा ज़र्फ होना चाहिए और मैंने किसी पर्सनालिटी का भी नाम लिया था, तो आज मैम दीदार के साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके अंदर का जो इंसान है वो भी ये बताता है कि ये बहुत बड़ी टीचर हैं और बहुत आला ज़र्फ के मालिक हैं। क्योंकि टीचर्स को यहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, लाते साथ ही हम उन्हें सीट पर बिठा देते हैं, बहुत देर तक उनसे इंतज़ार करवाते हैं, ऐसे में जो बहुत अच्छा सा मैनेज करता है बच्चों को साथ लेके चलता है तो वो हमाज होता है इस बात का कि वो बहुत अच्छा टीचर है और उसके अंदर का इंसान बहुत अच्छा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जो आपकी रहनी चाहिए मैम दीदार की तरफ, मर्द और ख्वातीन पीछे जितने भी खड़े हैं, आज मर्दों में मुझे सहेलियाँ नज़र आ रही हैं, औरतें उतनी बातें नहीं करती जितनी आज हमें मेल्स की तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम है, कोऑपरेट कीजिए प्लीज़, ये आपका अपना ही है। गपशप करनी है बाहर, हम सोफ़ाज लगाए हैं वहाँ, ले जाएं अपने दोस्तों को, जी भर के गप करें। बड़ी मुश्किल से हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पहुँचे, ऑल ओवर द पाकिस्तान देखा जा रहा है हमें लाइव यहाँ। थैंक यू। आई लैशेज का प्रोसेस ब्लश आर्ट कॉलेज प्रोफेशनल स्किल एजुकेशनल काउंसिल, एडमिशन्स आर ओपन और जो भी इसमें अपना एंट्री देना चाहें वो ज़रूर। और अहमद भाई काफ़ी दूर से मेरे पास आए क्योंकि ये पीछे जो मर्द हजरात खड़े हैं उनकी लिस्ट में हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं लग रहा कि जो मैम दीदार की क्लास है वो आपको कैसी फील हो रही है, कुछ आप लर्न कर रहे हैं यानी आपकी तालियां बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि 80% के हाथ में मोबाइल हैं और ताली नहीं बज पा रही है, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप सीख रहे हैं, इतना ही काफी है कि ये आए, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।
है वो FS38 और W1 है। अगर इनके मुंह में मेकअप नहीं हो रहा होता तो मैं आई मेकअप और लिपस्टिक करके छोड़ देती और फिर आप लोगों से बातें करती, चूँकि वो यहाँ बैठी है उसी ने कंटोरिंग करनी होती है तो मुझे पूरा करना होता है। इनका थोड़ा चबी फेस है तो थोड़ा सा कंटोर हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। मैम दीदार एक क्वेश्चन है सर, जब तक रेलॉन का केक केक पैन में लगाया बहुत कुछ सेम जो पैन स्टिक के थे सेम वही FS38 एंड W1 जो नीचे पैन स्टिक के थे। अच्छा एक पैन ही किसी की फेस पे लगाए ना तो फेस फट जाती है वो इसलिए कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। अगर स्किन ड्राई नहीं है तो बेस नहीं फटेगी, उसका भी एक तरीका है। अगर तो क्लाइंट आपके पास सर्विस पे है तो आप उसकी स्किन पहले अपने प्रोडक्ट से ठीक करें, अगर सर्विस पे नहीं है आपके पास तो फिर उसको आपने बेस बना लेना है। जहाँ जहाँ पे पैच आते हैं आने दें, जितने भी पैच आते हैं आने दें। जब आप मेकअप करेंगी तो आपने पैन स्टिक जो स्टिक होती है पैन स्टिक उसको फिंगर से लेना है, स्पॉन्ज से नहीं लेना। अगर स्पॉन्ज से लेगी तो वो फिर पैच पड़ जाएगा। फिंगर से उसको लेना है और उस पैच पर टैप करना है। उस पैच पर टैप करके लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देना। उसके बाद उस पर पानी नहीं लगना चाहिए और वो ऐसे लगेगा कि यहाँ कुछ था ही नहीं, सिर्फ पैन स्टिक और पाउडर, पानी नहीं लगाना। पानी लगाएंगे वापस पैच पड़ जाएगा। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? आई एक और क्वेश्चन आया आपके लिए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना है क्या? मैं इधर हूँ। अच्छा। मैंने आपसे ये पूछना है कि समर के लिए हम ये ही बेस यूज कर सकते हैं? अरे ये समर के लिए तो है, विंटर्स तो हमारे पास बहुत थोड़ा आता है।
विंटर में तो हम कोई भी पीएस यूज कर सकते हैं, ज्यादा जो टाइम हमारे पास रहता है वो तो समर रहता है ना, तो विंटर तो कोई भी इस बर्दाश्त कर लेगा, ये स्पेसिफिकली समर के लिए बेस है, और अगर विंटर भी लगा दे तो कमाल है, पर समर में आपको ये तंग नहीं करेगा समझ का। और एक और मैं पूछ रही हूँ कि अक्सर फेस होता है उनका, यानी थोड़ी सी इतना खड़े टाइप के फेस होता है, सॉरी समझ नहीं आ रही आपको, मतलब उनके फेस के ऊपर जैसे वो नहीं होते खड़े खड़े से बने खड़े होते हैं, हाँ दानों से जो बने, हाँ जी एक्ने वगैरह, उनको कैसे हम छुपाना है अपने? नहीं आप सॉरी उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रोटीन नहीं भर रहे, हम मेकअप कर रहे हैं, वो खड़े खड़े ही रहेंगे। और जो काशी जो मेकअप करता है तो वो छुपा देते हैं ना, तो वो क्या यानी वो एडिटिंग में छुपाते हैं, इज अ वेरी ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट, पर आपने लाइव देखा है खड्डों का मेकअप करते हुए उनको? जी, और तशरीफ रखे खड्डों के लिए खूबसूरत सा एक जामा खरीदे हम और एडिटिंग आप लोग जितने हम मेकअप देखते हैं और जो क्लाइंट हमारे पास रेफरेंस लेके आती है मेकअप के, कितनी उसमें एडिटिंग होती है, और उनके खुद के चेहरे मुंह पे काले बाल दाने निकले होते हैं और फोटो किसी अंग्रेज की दिखा रही होती है, सो फोटो पे बिल्कुल नहीं जाना, जो प्रैक्टिकल सामने है उस पर काम करना। एग्जाम्पल में आपको इस वो कहते हैं कैसा दस्तूर जुबानबंदी है तेरी महफिल में, बहुत कुछ मैम दीदार कहना चाहती है लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं कह पाते, और वो मैं कहता हूँ कि मैम दीदार आपके सामने लाइव मेकअप कर रही है, यहाँ पे हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं लगाई हुई, कोई कैमरा नहीं है कि करीब आके आप नहीं देख सकते, आप सिर्फ SMDs पे देखें, दिस इज कॉल्ड लाइव डेमो, जो रियल है वो आपको रियल बता रही है, रियल दिखा रही है और रियल सिखा रही है। नाम कोट किया था, आई थिंक वो ज्यादातर मॉडल बैक स्टेज पे रेडी करते हैं, और एक हाथ को उसका भी हेयर डू बना होता है, ऑलमोस्ट मेकअप हुआ होता है, हमने तो जीरो से धुला हुआ मुंह आपके सामने किया है। थैंक यू, जिनको समझ आई उन्होंने ताली बजाई, जीते रहें सलामत रहें, चलें इतने तो समझदार, थैंक यू बेटा मेरा बच्चा, जीते रहो सलामत रहो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इन टीचर के एप्लीकेशन का तरीका कार आप ज़रूर देखा करें, मेन चीज़ बेटा थोड़ी लाउड करो आवाज़, किस तरीके से ये अपने ब्रश को क्लच करती हैं, किस तरीके से ये एप्लीकेट करती हैं और किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि ये भी आप ही की तरह के इंसान हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत की और आज ये रिवॉर्ड के तौर पे, एक सेलिब्रिटी के तौर पे ये यहाँ पे खड़ी हैं। इनको कॉपी इन अ सेंस करें कि कल को हमें भी यहाँ पे खड़े होना है और हमें इस लेवल तक आना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इसलिए कोशिश किया करें, इनको एज एन इंस्पायरेशन लिया करें, आज वो आई हैं, जैसा कि मैम दीदार ने कहा कि ये हमारा आबाई काम है, यानी बहुत अरसे से हम कर रहे हैं, इतने अरसे से ये एक्सपीरियंस गेन कर रही होंगी, जो मेकअप इन्होंने आपके सामने किया है बहुत अरसे के एक्सपीरियंस के बाद ये सीखी होंगी, लेकिन ये देखिए कि 45 टू 50 मिनट्स में ये सारा नॉलेज आपको कन्वर्ट कर देगी। बता के कर रही हूँ इसलिए इतना बड़ा, तो 15 मिनट का काम है, लेकिन चूंकि साथ साथ हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना सैलून में तो। और आज आप ये भी बात सीख के जा रहे हैं बच्चों, जितनी तवज्जो आप टीचर को देंगे तवज्जो उसी इन्हमाक से टीचर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। हालांकि हमें टाइम इशू होता है हमेशा, लेकिन इस वक्त मैम दीदार बड़े पेशेंस के साथ कॉम कूल रिलैक्स इसलिए कि आप लोग सीख रहे हैं, सो कोशिश किया करें कि जिस क्लास में भी जाएं बहुत अच्छा से सीख के जाएं, और आने वाले कल में अपने आप को एवेल्यूएट करें कि आने वाला कल आपका बहुत अच्छा हो और बहुत बेहतर हो। और कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिपस्टिक लगाते हैं, पहले पेंसिल से उसको ड्रॉ करते हैं, फिर एक कलर लगाते हैं, फिर एक कलर लगाते हैं, तो मैक्सिमम ट्राई करें कि डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं मैम, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ये हमारे स्टंट मैन हैं, उनकी तरफ से आ जाएं आप, ये एक सरप्राइजिंग सिलसिला था, कुछ आप आइए, मैं इसको डील करूँ बेटा, इसकी आवाज़ खोल थोड़ी सी यार, ये पीछे जो भी ड्रामेटिक एक्टिविटी है प्लीज, एक महान टीचर यहाँ पे
हमारा बड़ा इज्जत के साथ ये इवेंट चल रहा था। टिकटॉक सर बाद में कर लेना सर, जो भी कुछ है सर शहजाद। बेटा म्यूजिक बंद करो। राशिद चौधरी का इवेंट बहुत अच्छा चल रहा है मैम, दीदार बड़ा पेशेंस भी दे रही है। लुबना मलिक जरा चेक कीजिएगा प्लीज, टिकटॉकिंग बाद में कर लेंगे। मैंने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये की थी, हम पूरे पाकिस्तान में लाइव देखे जा रहे हैं, हम इज्जत के साथ ही जीवरेट के वाइंड अप की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो कोऑपरेट विद अस, थैंक यू। तवज्जो रहेगी मैम की तरफ, लिप्स का मेकओवर। लाइटली म्यूजिक, बेटा तुम भी डर गए हो थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा तो मैं डर। लाइटली म्यूजिक हमें चाहिए होगा सर, थैंक यू। थोड़ा नीचे देखें, थोड़ा नीचे।
ज्वेलरी सेटिंग आपके सामने हो रही है और इस पर भी ये भी एक मेकओवर का बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, तो कांडे इसको जरा थोड़ा सा गौर से देख लें। मुजम्मिल साहब, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हॉल में फिरने वाली ब्यूटिशंस का, कि जिनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को अप एंड डाउन किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाहे उसे इज्जत मिल के रहती है, तो बेहतर है उस अल्लाह की दी हुई इज्जतों में आप हिस्सेदार बने। अच्छा इवेंट है माशाल्लाह राशिद चौधरी और लुबना मलिक का, तो इसको अच्छे से हम इख्तिताम की तरफ ले जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो काइंडली अपने निशस्तों में तशरीफ रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो नहीं सीखना चाह रहे, जो लर्निंग प्रोसेस में नहीं है, उनके लिए सोफा हमने अलग से लगाए हैं, इस पार्टीशन के पीछे से लेते हैं, टेबल भी हैं, चेयर्स भी हैं, गपशप करें, लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं कम से कम उन्हें डिस्टर्ब मत। मिस्टर राशिद चौधरी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, ये लुबना मलिक दोनों में से कांड लिए एक बंदा मुझे ज्वाइन करे। राशिद चौधरी जी, शर्जील भाई उम्र के इस हिस्से में वो इशारे समझ ही नहीं आते जी। ठीक है, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ लुबना।
मिस अगेन आपके मॉडल हैं, उनको आगे भेज दीजिए ब्राइट वॉक के लिए। नागी राजपूत, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये लास्ट अनाउंसमेंट है, वो स्टेज के राइट साइड पर तशरीफ ले। जितने भी ब्राइडल्स हैं, इनके ब्यूटिशियन, इनके पास तशरीफ ले आएं। आप लोग कॉल करके बुला सकते हैं, ये हमारा स्नैप सेशन है, उसके बाद हम नहीं किसी को बुलाएंगे। जितनी ब्राइडल्स हैं उनकी ब्यूटिशियंस तशरीफ ले आएं प्लीज, अपनी अपनी ब्राइड के पास। नरगिस भट्ट हॉल में मौजूद हैं, जो जिनकी ये ब्राइड हैं, काइंडली ये लास्ट अनाउंसमेंट है, नरगिस भट्ट अगर तशरीफ लाती हैं। अच्छा, आप नहीं नरगिस भट्ट, साथ आओ मेरा बेटा। म्यूजिक जरा लाउड, थैंक यू मच फॉर दिस वॉक। हमारी ब्राइड तशरीफ लाएंगी और असद भाई जहां पे भी हैं आप स्टेज पे तशरीफ लें। मिस्टर राशिद चौधरी, कम अप द स्टेज सर।